हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है द स्ट्रेंजर वी ऑल हैव सीक्रेट्स। सीक्रेट से याद आया, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है। तो यार इस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। हाँ भाई लेना यार, मैं एक तो सिगरेट के बारे में यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, तुम मुझसे सिगरेट मांग रहा है। इस सीन को एडिट कर देना भाई, इस सीन को काट देना। तो फाइनली नेटफ्लिक्स पे एक ऐसा शो देखने को मिला जिसका एंडिंग के लिए हमें सीजन टू के तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन वन में ही लगभग पूरे सीजन वन की एंडिंग खत्म हो चुकी है, यानी कि इसका सीजन टू आना बहुत मुश्किल है। अगर ये सीजन वन चलता है तो शायद सीजन टू में हमें कुछ अलग हटके कहानी देखने को मिल सकती है। मैं आपको कहानी तो पूरी नहीं बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी स्पॉयलर्स देना, क्योंकि जब आप लगभग 51 मिनट से लेके 43 मिनट के हर एक एपिसोड देखना चाहते हो तो फिर उसके ऊपर अगर मैं स्पॉयलर दे दूंगा तो देखने का मजा खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 20% सीरीज की कहानी बताता हूं। कहानी शुरू होती एडम से, जो अपनी दो बेटे और अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ट्विस्ट अब आता है जब उसे एक लड़की जो कि स्ट्रेंजर होती है, वो कि एडम को उसकी वाइफ के बारे में कुछ ऐसे राज बताती है जिसे जानने के बाद एडम की लाइफ पूरी हिल सी जाती है। और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस सीरीज की अच्छी बात करने से पहले मैं आपको कुछ नेगेटिविटी बात बताता हूं। नेगेटिव बात इसकी मुझे दो लगी। एक तो इसका जो चौथा एपिसोड था, चौथे एपिसोड में काफी इमोशनल सीन्स और बेमतलब की ड्रैग किया जा रहा था, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा यहाँ पर एडम का बेटा और उसके जो दोस्तों के बीच वाला जो प्लॉट था, वो प्लॉट देखकर मुझे ऐसा लग रहा था अननेसेसरी का इस प्लॉट को डाला गया सिर्फ रोमांच और तिल डालने के लिए, अदरवाइज वो प्लॉट नहीं भी होता नहीं लगता कि वो सीरीज को कुछ इफेक्ट करता था। हाँ ये कह सकता हूँ कि ये 8 एपिसोड के बदले लगभग 6 एपिसोड की सीरीज बन जाती थी, जो कि बहुत अच्छी बात होती। खैर ये मेकर्स ने जितनी भी कोशिश की बहुत ही जबरदस्त है। स्टार्ट से एंड तक आपको जो रोमांच जो थ्रिल होना चाहिए वो फील करते हो और एंड तक आप लोग गेस करते रहते हो कि यार आखिर आगे होगा क्या। क्योंकि देखिए ये सीरीज में आपको स्ट्रेंजर तो पता है कि स्ट्रेंजर वो लड़की है, लेकिन यहाँ पर कहानी स्ट्रेंजर की नहीं, यहाँ पर वो जितने भी कैरेक्टर्स बताए उस कैरेक्टर के जो उनके पर्सनल जो सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स जब सामने आते हैं तो सामने आने के बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स इनकी जिंदगी में आते हैं, बेसिकली सीरीज उस पर बेस्ड है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो सीरीज में मुझे सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई भी मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि यार बेमतलब की फालतू ओवर एक्टिंग कर रहा, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। इस सीरीज की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के ये शो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता कि इस शो को आप लोग जरूर देखना अगर आप लोग फ्री है तो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। और मैं आप लोग से इतना बता दूं कि इस सीरीज से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो गए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो ये सीरीज इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगी, अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। हाँ इसका चौथा एपिसोड जैसे कि कहा मैंने, आपको थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन पांचवा छठा सातवा आठवां एपिसोड बहुत ही जबरदस्त है और पहले के 3 एपिसोड तो बहुत ही शानदार है। तो जो मिस्ट्री और थ्रिलर जो सीरीज में होना चाहिए वो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको इस सीरीज में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि शेख, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। तिल देर दुआ में याद रखना। और हाँ आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो हमेशा की तरह, आप लोग कोई मूवी का रिव्यू या सीरीज का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं आपसे कल किसी नए वीडियो में।